हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी जीनियस। नाउ वी आर गिवन वन एपी लाइक 1, 5, 9, 13 एंड 17 लाइक दिस 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 एपी इज गोइंग ऑन। इनका डिफरेंस कितना है? 4 है। सेम 4 डिफरेंस पे टर्म आएगी, सेम 4 डिफरेंस पे टर्म आएगी। लाइक वी आर टू फॉलो वन पैटर्न इन विच एवरी टाइम वी आर एडिंग 4, कि हम हर बार 4 ऐड कर रहे हैं। सो वी आर टू फाइंड सम मीन्स ऐड और फर्स्ट 10 टर्म्स। 10 टर्म्स 6 हो गया, 6 + 9 15 हो गया, ये तो बहुत टाइम ले लेगा। सो वन फॉर्मूला टू फाइंड द सम एस एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, हियर द एन वुड बी 10, ओके एन यहां पर 10 होगा। सो एन बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम, डबल ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर ए क्या है। ए बेटा आपका फर्स्ट टर्म है, जो पहले पहले टर्म दी हुई होती है। उसके बाद हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? एन चाहिए। एन मैंने अभी अभी बताया ना, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि 10 है। देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स का सम करना है, 10 का करना है। ओके, डी डी फिर क्या है? डी इज द डिफरेंस, बता दिया हुआ है 1 और 5, सेकेंड टर्म 5 है ना, तो वी विल चेक इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो हम a2 - a1 करते हैं, 5 - 1, 5 क्या है? हमारी सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 1। सो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। सो देखो 1 + 4 = 5 आ रहा है ना, 5 + 4 = 9 आ रहा है ना, तो हमारा ये डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। नाउ बस अब हम 10 टर्म्स का सम निकाल देंगे। देखिए कैसे करते हैं, बड़ा इजीली हो जाएगा। एन बाय 2, 10 बाय 2, क्योंकि हमें तो पता है 10, एन की वैल्यू 10 है। डबल ऑफ ए, ए क्या है? 1 है, और उसका डबल करेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है? डी आपका है 4, 4। सो अब मैंने वैल्यूज पुट ऑन कर दी हैं। अब मैं मैक्सिमम कैंसिलेशन जो भी कर पाऊंगी वो मैं करूंगी। आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस होता है आपका। सो 2 को हम इस 10 से कैंसिल कर सकते हैं, लाइक 5 एंड 2 1 = 2 प्लस 10 - 1 = 9 होता है, एंड टाइम्स 4 हो गया। ओके नाउ अब आपको बोर्ड मास रूल तो पता ही होगा, कहीं 9 + 2 = 11 मत कर देना। फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व मल्टीप्लीकेशन। सो 9 + 4 = 36, सो 2 + 36, दिस वे वी विल सॉल्व। सो 5 × 38 विच विल गिव मी 190। अगर हम यहाँ पर जोड़ने बैठेंगे ना, कि 10 टर्म पहले लिखेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सो इन क्लास 10 दिस प्रोसेस इज गिवन, यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।